नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। बात करूँगी एक बार फिर से आपके लिए नंबर्स के बारे में। जी हाँ, नंबर्स जो होते हैं आपके जीवन में किस तरह से मैजिक करते हैं, तो आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एंशंट ग्रीस या एंशंट इजिप्ट से, यहाँ से काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन पाइथागोरस कर रहा था, जिनका कहना ये था कि नंबर्स ऑलवेज रूल्स द यूनिवर्स। जी हाँ, जब एक व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसी दिन वो दिन निर्धारित होता है, यानी कि वो डेट पर्टिकुलर जो होता है, वो नंबर जो होता है जिस डेट पर वो पैदा हुआ है, वो नंबर उसके बर्थ डेट से ही, यानी कि उसके पैदा होने के समय से ही उसकी जीवन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। एंड पर्टिकुलरली देखा जाए कि सारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं वो भी तो नंबर डेट के अकॉर्डिंगली ही की जाती है ना। तो इसीलिए हम देखें कि नंबर्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे जीवन के अंदर। कई बार नंबर्स जो होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ क्लूज ज़रूर देते हैं, कुछ हिंट ज़रूर देते हैं, इफ़ यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। चलिए हम इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज आपके करियर के बारे में। जी हाँ, हमने पहले वीडियो में बात करी थी नंबर एक वाले लोगों के बारे में, लेकिन आज बात होगी नंबर दो। तो जिन लोगों का मूलांक होता है नंबर दो, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा नंबर टू, नंबर 11, नंबर 20 या 29। इन डेट्स पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बना नंबर दो। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर टू, दैट मीन्स जैसे मैंने कहा था कि हर वन से लेकर नाइन तक जो नंबर्स हैं, ये जो नौ नंबर्स हैं, ये बेसिकली अलग अलग प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसी तरह से नंबर टू जो होता है, दैट डिपिक्ट्स मून, यानी कि चंद्रमा का जो नंबर है ये, और कहीं ना कहीं पर चंद्रमा की क्वालिटीज़ को शो करता है। तो जिन लोगों का मूलांक दो बना, वो चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होंगी। अब चंद्रमा यानी कि एस्ट्रोलॉजी में जो मून है वो जल तत्व का कारक है एंड हमारे मन का भी कारक है। जल तत्व आप देखेंगे, बिकॉज वाटर एलिमेंट इज ऑलवेज एक स्टेबिलिटी नहीं है, चंचलता को शो करता है, स्टैग्नेंट चीज़ों को शो नहीं करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों का मूलांक नंबर दो होता है, वो थोड़े से चंचल होते हैं स्वभाव के, वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कला के क्षेत्र से जुड़ना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा हम बात करें, बिकॉज अभी 10th के रिजल्ट्स निकले हैं, कुछ कई बच्चे ऐसे हैं जो आगे करियर के लिए चुनाव करना चाह रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आफ्टर 10th सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जिनका मूलांक नंबर दो होता है, ऐसे बच्चों को आर्ट्स या साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अकाउंटेंसी वाले डिपार्टमेंट्स में तरक्की नहीं करते हैं, लेकिन उसमें आपको एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनफैक्ट कि इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। अब बात करें कि दो नंबर जिनका मूलांक बनता है, ऐसे लोगों को नेवी की फील्ड्स में चुनाव करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा मीडिया से, फिल्म सेक्टर से, ग्लैमर लाइन से, इसके अलावा फूड सेक्टर से आप लोग जुड़ते हैं। साथ ही में क्योंकि कला का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है आप लोगों के लिए, तो जैसे मैंने कहा मीडिया, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू पीपल। इसके अलावा हम बात करें कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए खासतौर पे जो दो नंबर वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे पोएट्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग खासतौर पे, अब इस तरीके से बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें कि दो मूलांक वाले लोग जो होते हैं, दो नंबर मूलांक वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत अच्छा आगे चल के सक्सेस को हासिल करते हैं। तो दीज आर द करियर फील्ड्स। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि दो नंबर जिनका मूलांक होता है, उनका थोड़ा सा जो मन होता है वो हमेशा चंचलता की तरफ रहता है, कहीं एक एक जगह ठहरते नहीं हैं। तो ट्रैवलिंग का काम भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ट्रैवलिंग में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, टूरिज्म में आगे बढ़ सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग होटल मैनेजमेंट की लाइंस चुन सकते हैं। बिकॉज मैंने कहा था ना फूड सेक्टर, तो होटल मैनेजमेंट की लाइंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म सेक्टर जो है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ करियर फील्ड्स हैं जिसमें कि दो नंबर जिनका मूलांक बनता है, ये लोग अपनी लाइफ में इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट हर किसी भी फील्ड में
आपको एक सपोर्ट जो है वो उस नंबर से ज़रूर मिलता है। तो जब भी आप अपने नंबर के हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलरली आपको दो नंबर वाले लोगों को अपने करियर में सक्सेस को हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और भगवान शिव की पूजा आप रूटीन बेसिस पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज चंद्रमा हमेशा आप देखेंगे कि भगवान शिव की मस्तक पर विराजमान होता है। और इसीलिए जो मन की चीज़ें होती हैं, जो मन की गति से जो लोग चलते हैं, और ख़ासतौर पे जैसे मैंने कहा ना कि चंचलता बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तो चलिए अगले नंबर के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।